नमस्कार, तृप्ति रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ। गुजिया कई तरह के बनते हैं, मावा का गुजिया, सूजी का गुजिया और सूजी और ड्राई फ्रूट्स का गुजिया। आज जो मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ वो सूजी और ड्राई फ्रूट्स का है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से होली स्पेशल गुजिया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे गर्म होने के लिए कड़ाही रखेंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और अब हम इसमें 250 ग्राम सूजी डालकर अच्छे से रोस्ट होने तक भूनेंगे। और ध्यान रखना है, यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम पे ही सूजी को भूनेंगे। अगर हाई फ्लेम पे हम सूजी को भूनेंगे तो सूजी हमारा जल जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिए हैं और लो फ्लेम पे सूजी को 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। भूनकर सूजी डालने से गुजिये का टेस्ट है वो काफी अच्छा आता है। और अब हम इसमें 15 से 20 काजू और 15 से 20 किशमिश को छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं, इसे डालकर भून लेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना गैस का फ्लेम लो है और साथ में कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर, अगर आपके पास बुरादा अवेलेबल हो तो बुरादा भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। नारियल डालने से भी गुजिये का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सूजी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और एक बाउल में हम 1/2 kg मैदा लेंगे और इसमें मोयन के लिए 1/2 कप घी ऐड कर रहे हैं। घी डालने से मोयन काफ़ी अच्छा होता है और अच्छे से हाथ से मैदे में मिक्स कर लेंगे। आपको हम चेक करके बताते हैं, मोयन ज़्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं। हाथ में लेने के बाद अगर अच्छे से बंधने लगे तो समझे कि हमारा जो मोयन है वो काफ़ी परफेक्ट है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट आटे का डो लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा लगाना तो प्रायः सब लोग को आता है और ये हमारा आटा अच्छे से गूंदकर तैयार हो गया और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और अब हम यहाँ पे सूजी में चीनी ऐड करेंगे। चीनी पीसा हुआ ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जितना सूजी लिया था उतना ही चीनी ली है। अब इसे साइड में कर देते हैं और गैस पे गर्म होने के लिए कड़ाही रख देते हैं और गुजिया बनाना शुरू करते हैं। आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। आटा के एक पूड़ी साइज का छोटी छोटी लोई काट लेंगे और पूड़ी बनाना तो सब लोग को आता है। और दूसरे तरफ हम गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं गुजिया को। जब तक हमारा तेल गर्म होगा अच्छे से, हम सारे गुजिये बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गुजिया बनाने के लिए गुजिये का साँचा, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इसका इस्तेमाल करूँ। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। इसके ऊपर पूड़ी डाल देंगे और 2 चम्मच स्टफिंग ऐड करेंगे। और ध्यान रखना है स्टफिंग हमेशा बीच में ही डालें। चारों तरफ से तेल लगाकर अच्छे से प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा जो आटा है इसे बाहर निकालें। और देखिए काफ़ी सुंदर गुजिया बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरह से बाकी के भी गुजिया हम तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसे बीच में ही डालें। अगर साइड में डाल देंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, फट जाएगा। और इसे अच्छे से प्रेस करें ताकि हमारा जो गुजिया है अच्छे से चिपक जाए। अगर अच्छे से नहीं चिपकाइएगा तो कढ़ाई में जाने के बाद फट जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में गुजिया, और तेल भी हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है। और गुजिया तलते टाइम एक बात को और ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा गुजिया मीडियम टू लो फ्लेम पे ही तलना चाहिए। हाई फ्लेम पे अगर हम गुजिया को तलेंगे
तो ऊपर से थोड़ा जल जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, मगर लो फ्लेम पे अगर हम गुजिया को तलेंगे तो काफी क्रिस्पी और करंची बनकर गुजिया तैयार होंगे। देखिए तेल में गुजिया ऊपर की तरफ तैरने लगा और अब हम इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। गुजिया किसी भी त्योहार पे बनता है, विशेष रूप से होली के अवसर पे बनता है, और अगर हम सूजी और ड्राई फ्रूट्स का गुजिया बनाएंगे तो इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर हम मावा का गुजिया बनाते हैं तो 4 से 5 दिन ही इस्तेमाल में लाते हैं और मावा खराब होने का भी डर रहता है, मगर सूजी का गुजिया वो काफ़ी टेस्टी बनता है और इसे ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और काफ़ी अच्छा खुशबू भी आ रहा है, और सेम प्रोसेस से बाकी के भी गुजिया हम तल कर तैयार कर लेंगे। लो फ्लेम पे उलटते पलटते हुए बाकी के भी गुजिया हमारा बनकर तैयार हो चुका है, और उम्मीद करती हूँ कि इस होली में आप हमारे इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो पसंद आने पे वीडियो के नीचे लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।